नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब कमी आने लगी है, जिसके बाद से बिहार सरकार ने कई चीज़ों में छूट दे दी है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत के अनुग्रह अनुदान देने के नियम में बदलाव किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने जो है इस अनुदान में बदलाव किया है। अगर किसी व्यक्ति का इस बीमारी यानी कि कोरोना से मौत होता है और वह किसी दूसरे ज़िले में है तो उसे अनुदान राशि पाने के लिए अपने मूल निवास वाले ज़िले में आवेदन करना होगा। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने अनुदान देने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भेज दिया है। इसको लेकर विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोरोना पीड़ितों का उपचार मूल निवास स्थान से हटकर दूसरे जिलों में हो रहा है, इस कारण मृतक के परिजन मौत वाले जिलों में ही अनुदान के लिए आवेदन कर देते हैं, लेकिन जब दस्तावेज सत्यापन के बाद जब चेक भुगतान की बारी आती है तो पता चलता है कि मृतक किसी और ज़िले का मूल रूप से रहने वाला है। ऐसे में फिर से प्रक्रिया करनी पड़ जाती है। कई जिलों ने तो इस बाबत सार्वजनिक माध्यमों से सूचना देकर मृतक के निकटतम परिजनों को दावा करने की सूचना भी प्रकाशित किया है। इस स्थिति में दोबारा किसी जिले में ना हो, इसीलिए आपदा प्रबंधन ने जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 2008 में ही विभाग ने यह प्रावधान कर दिया है कि जिस जिले में घटना घटित हो वहां के जिलाधिकारी से सभी वांछित प्रमाण पत्र आलेख इत्यादि प्राप्त करते हुए नियमानुसार मृतक के परिजनों को अनुग्रह भुगतान किया जाए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को महामारी माना है और महामारी के पुराने नियम लागू रखते हुए कहा है कि कोरोना के जितनी भी मौतें हुई हैं उनके परिजन अपने मूल निवास वाले जिलों में ही आवेदन करें ताकि उनके अनुदान मिलने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो है कोरोना से होने मौत होने पर उनके परिजनों को जो है 4 लाख रुपये की राशि देने की बात कही गई है। ऐसे में जो है अब आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत जो है दूसरे ज़िले में होती है तो उनको जो है ये 4 लाख का अनुदान जो है उन्हें अपने ज़िले में ही अप्लाई करना होगा और उन्हें यह राशि जो है अपने ही ज़िले से मिलेगी। इसके पीछे जो तर्क दिया गया आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि राशि का जो है भुगतान करने में परेशानी हो रही थी, जिसके कारण जो है सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है अपने ही ज़िले में यह राशि अनुदान के रूप में लेने की बात कही गई है। कई ऐसे मामले जो है निकलकर सामने आए जिसमें कि जिलाधिकारी को अनुदान राशि देने में दिक्कत हो रही थी। अब जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है यह अनुदान राशि आप बिहार के किसी भी ज़िले में अगर आपकी कोरोना से मौत हुई हो तो आपके अपने मूल निवास वाले ज़िले में ही यह राशि मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।